Hello 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 something went wrong क्या है something went wrong All clear. तुम्हारा क्लियर है स्पेशल क्लास प्रकाश देखना स्पेशल क्लास का देखना दे आ, देखो देखो

अगली स्पेशल क्लास जी स्पेशल क्लास चालू होगी YouTube चेक करना एक बार YouTube तो चल ही रहा है YouTube चल रहा है हम्म चल रहा था, था ठीक है ठीक है चल रहा 52 अच्छी ठीक है ओके वहाँ क्या मेरा YouTube गुड इवनिंग इस ऑडियो ऑडियो वीडियो वीडियो क्लियर वीडियो क्लियर फॉर ऑल है सबके लिए एक बार कमेंट कर देना ऑडियो वीडियो दोनों जगह है यूट्यूब पे भी और स्पेशल क्लास पे यूट्यूब पे क्लियर है चलो कंटिन्यू बेटा वो दूसरी जगह आने तो दो वीडियो कभी तो कंटिन्यू करूंगा आपका तो आ गया वो स्पेशल क्लास पे भी जाती है ना ये क्लास दोनों जगह आना चाहिए ना तभी तो स्टार्ट करूंगा वहाँ वाले हल्ला मचाने लग जाएंगे नहीं तो फिर

इन दिस वी आर स्टार्टिंग विद जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग पहली क्लास आपकी उन्नीस से स्टार्ट हो जाएगी द फर्स्ट ऑफ क्लास विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम नाइनटीन ऑफ जून सो दो अवेल दिस बेनिफिट इस बेनिफिट को अवेल कर सकते हो आप देन वी आर ऑल्सो स्टार्टिंग ऑफ वर्कशॉप वर्कशॉप भी हम स्टार्ट कर रहे हैं करियर प्लानिंग विद द कॉलेज इन दिस विल बी गेटिंग टॉपिक वाइज टेन ईयर पी वाई क्यू विध डिटेल सोल्यूशन

सेंट इंटरेस्ट ऑन दोन इज ऑल्सो अवेलेबल इफ यू वॉन्ट टू अवेल दिस बेनिफिट फॉर योर सब्सक्रिप्शन कॉस्ट आप इसको भी अवेल कर सकते हो देन जो लोग प्रिपेयर करना चाहते हैं ऑफलाइन सेंटर के अंदर नया बैच लॉन्च हो रहा है उन्नीस जून से विल भी स्टार्टिंग विद द जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग तो नया बैच स्टार्ट हो रहा है उन्नीस जून से जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग स्टार्ट कर रहे हैं जो एक्जिस्टिंग प्लस और आइकोनी फॉर देन फोर्टी परसेंट ऑफ इज अवेलेबल उनके लिए फोर्टी परसेंट ऑफ अवेलेबल है अगर एस एस सी जेई की बात करें इफ यू टॉ अबाउट एस एस सी जी एस एस सी जी का भी जो फाउंडेशन बैच अभी स्टार्ट हुआ है नौ तारीख को जिसमें मैंने स्ट्रक्चर स्टार्ट किया है उसमें भी ऑफ अवेलेबल है और फ्री मंथ का एक्सटेंशन अवेलेबल है एक्सटेंशन ऑफ फ्री मंथ इज अवेलेबल तो ये तो हमारे हो गए बेसिक अनाउंसमेंट्स दीज आर अवर बेसिक अनाउंसमेंट्स अब हम आते हैं मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन के ऊपर नाउ विल कम टू द मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन एक बार मैं रिकॉल करा देता हूं अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया अभी तक हमने ये डिस्कस किया इज वर्म सर्विंग सर्विइंग का मतलब क्या होता है फिर हमने बात करी क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विंग की दो तरह की सर्विइंग मिल जाएगी प्लेन सर्विंग मिल जाएगी जियोडेटिक सर्विंग मिल जाएगी एक में अर्थ के कर्वेचर को हम कंसिडर करेंगे जियोडेटिक सर्विइंग अर्थ के कर्वेचर को कंसिडर नहीं करेंगे उसको बोल देंगे हम प्लेन सर्विइंग देन इसके अलावा भी हमने सर्विइंग को क्लासिफाई कर रखा है ऑन द बेसिस ऑफ वॉट सर्विंग को क्लासिफाई किया हमने ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सर्वे ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वे ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज्ड

मैप की स्केल कंपेरेटिवली छोटी होती है प्लान की स्केल कंपेरेटिवली बड़ी होती है दी दी स्केल स्केल विल विल बी बी बिगर इन केस ऑफ ऑफ द द मैप स्मॉलर फिर हमने ये भी देखा था देन वी हैव अबाउट डिफरेंट टाइप स्केल्स अलग अलग तरह के स्केल की बात करी थी इंजीनियर स्केल की बात करी थी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन की बात करी थी और हमने ग्राफिकल स्केल की बात करी थी स्केल क्या होती है एक फिक्स रेशियो होती है फॉर एवरी डिस्टेंस ऑन द प्लान विद द करस्पोंडिंग डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड ये एक फिक्स रेशियो को हमने क्या नाम दे दिया था स्केल का नाम दे दिया था और लास्ट जो हमने बात करी थी वो किसकी करी थी ग्राफिकल स्केल की बात करी थी ग्राफिकल स्केल पिक्चर में क्यों आई थी ग्राफिकल स्केल पिक्चर में इसलिए आई थी क्योंकि कई बार जो हमारा प्लान और मैप होता है वो श्रिंक कर जाता है या एक्सपेंड कर जाता है बिकॉज ऑफ द मॉइस्चर मॉइस्चर की वजह से तो हमें मेजरमेंट सही मिले इसलिए हम क्या करते हैं ग्राफिकल स्केल यूज करते हैं फिर मैंने श्रंक रेशो या श्रंक फैक्टर की बात करी थी

अगर उनको लगता है कि वहां पे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा है वो खुद ही लॉन्च कर देंगे बिना आपसे पूछे हुए चलो आगे बढ़ते हैं सो विल कंटिन्यू अगला पॉइंट क्या एरर ड्यू टू रॉन्ग मेजरिंग स्केल कल हमने बात करी थी किसकी कल हमने बात करी थी श्रिंकेज की सो क्लास वी श्रिंकेज श्रंक फैक्टर की बात करी थी आज हम बात करेंगे एरर ड्यू टू रॉन्ग मेजरिंग स्केल इस बार पेपर श्रिंक नहीं हुआ है ध्यान रखना इस बार क्या है आपने स्केल गलत यूज कर ली अगर आपने स्केल गलत यूज कर ली तो जो करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस मेजर करोगे आप ग्राउंड के ऊपर वो सही डिस्टेंस होगा या गलत डिस्टेंस होगा अगर आपने गलत स्केल यूज कर ली जो करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस होगा ग्राउंड के ऊपर वो गलत निकल के आ जाएगा तो सही डिस्टेंस या सही लेंथ मेजर करने के लिए क्या अप्रोच हम यूज करेंगे दैट विल डिस्कस अब उस पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे यहां पे अब इस बात को समझने के लिए क्या करूं एग्जांपल लेता हूं ताकि आप खुद डिराइव करो एक्सप्रेशन तो देखो लिखा हुआ है और मेरे हिसाब से अगर ये एक्सप्रेशन पढ़ोगे एक दिन या दो दिन भी याद नहीं रहेगा तीसरे दिन भूल जाओगे अगर मेरे को एक्सप्रेशन नहीं भी याद हो पेपर में आंसर आपका जरूर निकल के आ जाएगा यू विल गेट दी करेक्ट आंसर इस बात को समझते हैं लेट सपोज ये हमारे ग्राउंड के ऊपर एक लाइन बनी हुई है ये ग्राउंड के ऊपर हमारी लाइन बनी हुई है लाइन है ए बी आर्बिट्री कुछ भी ले लेते कुछ भी ले लेते हैं सपोज ये जो लाइन है ये दस मीटर तो प्लान बनाया प्लान के ऊपर लाइन आई ए बी प्लान के ऊपर आई ए बी और हमने स्केल क्या यूज कर रखी है करेक्ट स्केल तो यहां पे मैं लिख देता हूं करेक्ट स्केल तो हमारी करेक्ट स्केल क्या है तो हमारी करेक्ट स्केल अच्छा स्केल खूब तरह से बताई थी आपको इंजीनियर स्केल बताई थी और रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन बताया था बोथ डिस्कस फर बिंग सपोज हमारी जो करेक्ट स्केल है वो मैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के टर्म में बता रहा हूं जो करेक्ट स्केल है वो मैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के टर्म में बता रहा हूं वन बाय हंड्रेड क्या मतलब है इस बात का वट इज मीनिंग ऑफ दिस जरा मतलब बताना अगर हमारा रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन बाई हंड्रेड है वॉट इज द मीनिंग ऑफ दिस अगर रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन है इस बात का मतलब क्या है यूनिट ऑफ लेंथ ऑन प्लान विल करस्पॉन्ड टू हंड्रेड यूनिट ऑफ इन दी ग्राउंड अगर एक यूनिट प्लान के ऊपर है करस्पॉन्डिंग सौ यूनिट किसके ऊपर है ग्राउंड के ऊपर है तो अगर ग्राउंड पे हमारे लाइन की लेंथ तो दस मीटर है तो हमारे प्लान के ऊपर कितनी होनी चाहिए अगर ग्राउंड के ऊपर ये दस मीटर है तो हमारे प्लान के ऊपर कितनी होनी चाहिए तो वन बाय हंड्रेड का चल रहा है तो हमारे प्लान के ऊपर कितना चला जाएगा वन ऑन प्लान रिप्रेजेंट हंड्रेड ऑन दी ग्राउंड बिल्कुल सही बात है सो टेन ऑन ग्राउंड विल रिप्रेजेंट हाउ मच मीटर मीटर बोले तो कितना पॉइंट वन मीटर तो कितना बोले तो बिल्कुल सही बोला विकास एब्सोल्युटली करेक्ट अंकित पटेल बिल्कुल सही बोला एब्सोल्युटली करेक्ट वन सेंटीमीटर इक्व टू हंड्रेड मीटर क्या बोल रहे हो भाई पॉइंट वन मीटर तो इसको मैं बोलूंगा पॉइंट वन मीटर पॉइंट वन मीटर और आप क्या बोल सकते हो दस सेंटीमीटर कोई भी एक चीज बोल सकते हो इट इज वन सेम थिंग चाहे पॉइंट वन मीटर बोल दो चाहे दस सेंटीमीटर बोल दो क्लियर है चीज ये हमारा प्लान है ये हमारा ग्राउंड है सो दिस इज ग्राउंड दिस इज अवर प्लान चले यहां तक हमारी करेक्ट स्केल क्या है वन बाय हंड्रेड है दिस इज अवर करेक्ट स्केल अब आप गलत स्केल यूज कर रहे हो गलत स्केल यूज कर रहे हो तो इनकरेक्ट स्केल सो इनकरेक्ट स्केल इन करेक्ट स्केल तो इनकरेक्ट स्केल तो है हमारी वन बाय फिफ्टी आपने इनकरेक्ट स्केल क्या पढ़ी वन बाय दी प्लान विल टू फिफ्टी यूनिट ऑन दी ग्राउंड यूनिट ऑन दी प्लान विल करस्पॉन्ड टू फिफ्टी यूनिट ऑन दी ग्राउंड ये मेरी इनकरेक्ट स्केल है चलो अगर ये लाइन पॉइंट वन मीटर की है आप ए बी ग्राउंड के ऊपर कितना बता दोगे अगर मैंने इनकरेक्ट स्केल यूज करी तो मेरी हमारी करेक्ट लेंथ कितनी है अवर करेक्ट लेंथ है सो मच हमारी करेक्ट लेंथ है दस मीटर की सो करेक्ट लेंथ टेन मीटर तो आप रॉन्ग लेंथ कितनी बताओगे या मेजर लेंथ कितनी बताओगे वॉट इज लेंथ दैट यू विल टेल आप मेजर लेंथ बताओगे पांच अरे भाई ग्राउंड के ऊपर बोल रहा हूं भाई ग्राउंड के ऊपर या तो सवाल समझ में नहीं आता या कैलकुलेशन नहीं करने आती अरे भैया प्लान के ऊपर तो ये ए बी बनी हुई है ए बी पॉइंट वन मीटर बनी हुई है अगर ए बी पॉइंट वन मीटर बनी हुई है और मैंने इनकरेक्ट स्केल यूज करी मैं ग्राउंड के ऊपर ए बी कितनी बता दूंगा मैं ग्राउंड के ऊपर ए बी कितनी बता दूंगा एक यूनिट प्लान के ऊपर पचास यूनिट ग्राउंड के ऊपर बताता है तो पॉइंट वन यूनिट कितना बता देगा मीटर ऑन ग्राउंड बिल्कुल सही बात है गुरविंदर सिंह और विकास कुमार इन दोनों ने सही चीज बताई है आप क्या बता दोगे पांच मीटर बता दोगे तो ये गलत है इट इज इनकरेक्ट तो अगर आपने गलत स्केल यूज करी तो आप ग्राउंड के ऊपर मेजर्ड लेंथ गलत बता दोगे इट इज इनकरेक्ट क्लियर है चीज चलो ये बात समझ में आती है अब मुझे करेक्ट लेंथ निकालनी है मैं करेक्ट लेंथ कैसे निकालू हाउ टू फाइंड करेक्ट लेंथ जरा मुझे बताना इस पूरी कहानी में क्या चीज कॉन्स्टेंट है इस पूरी कहानी में क्या चीज कॉन्स्टेंट है वॉट इज कॉन्स्टेंट इन दी इंटायर स्टोरी करेक्ट लेंथ डिफरेंट आ रही है लेंथ डिफरेंट आ रही है जो करेक्ट स्केल है ये डिफरेंट आ रही है इनकरेक्ट स्केल डिफरेंट आ रही है जरा कोई मुझे तसल्ली से सोच के बता सकता है इस पूरी कहानी में क्या चीज कॉन्स्टेंट है वट इज कॉन्स्टेंट ग्राउंड लेंथ बेटा ये तो गलत बता रहे हो ग्राउंड लेंथ तो एक बार दस मीटर बता रहे हो दूसरी बार पांच मीटर बता रहे हो कहां कॉन्स्टेंट है ये वॉट इज बी कॉन्स्टेंट हेयर

करेक्ट लेंथ कैलकुलेट करने के लिए आई बी यूजिंग दिस वैल्यू टू फाइंड द करेक्ट लेंथ। कैसे यूज जरा चेक करो एक पेज ऐड किया पेज ऐड किया. बताना कियाकेट इज दर एफ ऑफ करेक्ट स्केल जो मैंने पीछे एग्जाम्पल लिया इसमें करेक्ट स्केल का आर क्या था वट वॉज दी आर एफ ऑफ द करेक्ट स्केल

करेक्ट स्केल मुझे कौन सी डिस्टेंस निकाल के देगी करेक्ट स्केल मुझे करेक्ट डिस्टेंस निकाल के देगी हाँ ग्राउंड बताएगी पर कौन सी करेक्ट तो डिवाइड बाय व्हाट? डिवाइड बाय करेक्ट लेंथ डिवाइड बाय करेक्ट लेंथ क्लियर है चीज तो डिवाइड बाय करेक्ट लेंथ व्हाट इज आर एफ ऑफ रॉन्ग स्केल आर एफ ऑफ रॉन्ग स्केल वॉज इक्वल टू वन बाय फिफ्टी ये वन बाय फिफ्टी था दिस इज इक्वल टू वॉट ए बी ए बी हमारे मैप के ऊपर या प्लान के ऊपर दूरी थी ये ए बी डिवाइड बाय व्हाट? डिवाइड बाय मेजर्ड लेंथ सो डिवाइड बाय मेजर्ड लेंथ। ये इक्वेशन नंबर वन ये इक्वेशन नंबर टू तो ये मेरी इक्वेशन नंबर वन है ये मेरी इक्वेशन नंबर टू है दोनों इक्वेशन में से क्या बराबर कर दो सो फ्रॉम वन एंड टू फ्रॉम वन एंड टू ए बी को बराबर कर दो ए बी किसके बराबर है ए बी इज इक्वल टू करेक्ट लेंथ इंटू आर एफ ऑफ वॉट करेक्ट स्केल दिस इज इक्वल टू मेजर्ड लेंथ तो दिस इज इक्वल टू मेजर्ड लेंथ इंटू आर एफ ऑफ आर एफ ऑफ विच स्केल आर एफ ऑफ रॉन्ग स्केल देखो आगे रिलेशनशिप तो so, इक्वेट ए भी बिल्कुल सही बात है कैप्टन जैक्सपैरो तो मेरे को पीछे क्या निकाली थी करेक्ट लेंथ निकाली थी तो so, मैं करेक्ट लेंथ कैसे निकालू हाउ टू कैलकुलेट दी करेक्ट लेंथ तो अब अगर मुझे करेक्ट लेंथ निकालनी है सो करेक्ट लेंथ विल बी इक्वल टू आर एफ ऑफ रॉन्ग स्केल डिवाइड बाय आर एफ ऑफ करेक्ट स्केल इन टू लेंथ सो इन टू लेंथ और आपकी मेजर्ड लेंथ क्या थी गलत थी योर मेजर लेंथ वॉज इनकरेक्ट। आ गया रिलेशनशिप निकल के दिस इज रिलेशनशिप कैसे हमारी आर एफ क्या थी रॉन्ग स्केल की आर एफ ऑफ दकेल वॉज वन बाई फिफ्टी आर एफ ऑफ दी करेक्ट स्केल वॉज वन बाई हंड्रेड सो वन बाय हंड्रेड हंड्रेड वॉट वॉज योर मेजर लेंथ मेजर लेंथ फाइव मीटर देखो कितना निकल के आ रहा है सो योर करेक्ट लेंथ वॉज टेन मीटर आपकी करेक्ट लेंथ क्या थी टेन मीटर थी तो आगे रिलेशन यूज करो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन करेक्ट लेंथ रॉन्ग लेंथ और करेक्ट आरएफ एंड रॉन्ग आरएफ अनलेस प्रूव्ड मेजरड लेंथ को इनकरेक्ट नहीं बोल सकते इनसेक्ट इनकरेक्ट नहीं बोल सकते अरे मेजर ही तो इनकरेक्ट है बाबा जो मैंने मेजर किया वही तो इनकरेक्ट है क्योंकि आपने स्केल कौन सी यूज करी थी इनकरेक्ट यूज कर ली थी तो मैंने जो स्केल यूज करी इनकरेक्ट यूज करी तो मैंने जो मेजर कर ली लेंथ वो क्या होगी इनकरेक्ट होगी

तो हम बोलेंगे आर एफ ऑफ दी रॉन्ग स्केल डिवाइड बाई आर एफ ऑफ द करेक्ट स्केल का होल स्क्वायर। तो जब एरिया निकालना है आपको यहां पे होल स्क्वायर आ जाएगा so, अगर एक बार मेजरमेंट ले ले ली तो किसी भी स्केल पे कन्वर्ट कर सकते हैं हाँ अगर एक बार आपने मेजरमेंट ले ली तो किसी भी स्केल पे कन्वर्ट कर सकते हो पर एक्चुअल में होता क्या है हमारे पास प्लान होता है फील्ड में चीज नहीं होती है तो फील्ड में हमें जाके वो मार्किंग बनानी होती है पर अगर फील्ड में बनी हुई है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है फिर तो आप डायरेक्टली मेजर कर सकते हो देन यू कैन मेजर करेक्ट इंटू करेक्ट रॉन्ग इंटू रॉन्ग रटा था आज तक क्लियर हुआ चलो ठीक है गेट में इस बार यही हाँ गेट में इस बार एरिया वाला क्वेश्चन आया था अब वो आता कहां से उसको डिराइव करके दे रखा है मैंने फ्रॉम वेयर इट कम्स इन टू दिक्चर उसको डिराइव करके दे दिया दैट इज बिंग डिराइव फ्रॉम हेयर क्लियर है आगे चले चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑफ ऑफ पॉइंट रेफरेंस अब सवाल ये आता है कि भैया मैं कौन सी स्केल चूज करूंगा हाउ टू चूज द मैप स्केल ऑफ मैप विच इज टू बी विल डिपेंड अपॉन दी टू फैक्टर्स दो फैक्टर पर डिपेंड कर जाएगी तो मैं कौन सी स्केल यूज करूं मैप के अंदर ये दो बातों पर डिपेंड करेगी पहला इट विल डिपेंड अपॉन यूज ऑफ मैप आप मैप को यूज कहां पर ले रहे हो दूसरा एक्सटेंट ऑफ दी टेरिटरी विच इज टू बी रिप्रेजेंटेड कितनी बड़ी जगह आपको रिप्रेजेंट करनी है मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं हम कौन सी स्केल यूज करेंगे मैप के ऊपर डिपेंड कर जाएगा दो बातों पर पहला यूज ऑफ द मैप दूसरा एक्सटेंट ऑफ द टेरिटरी विच इज टू बी रिप्रेजेंटेड जैसे एग्जाम्पल अगर आपको बड़ी टेरिटरी बतानी है स्केल छोटी रखोगे या बड़ी रखोगे अगर आपको बड़ी टेरिटरी बतानी है तो स्केल छोटी रखोगे बड़ी रखोगे ये मैं कल ड्राइव करके बताया था आपको इन एक्जेक्ट एग्जांपल भी लिए थे मैंने आई हैव टेकन द एग्जांपल आल्सो तो अगर मेरे को बड़ी टेरिटरी दिखानी है तो स्केल क्या रखनी पड़ेगी छोटी रखनी पड़ेगी और अगर मेरे को छोटी टेरिटरी बतानी है तो स्केल क्या रखनी पड़ेगी अगर मेरे को छोटी टेरिटरी बतानी है स्केल क्या रखनी पड़ेगी लार्ज रखनी पड़ेगी तो स्केल विल बी कंपैरेटिवली लार्जर क्लियर है एक शॉर्ट ट्रिक है इसका बेटा शॉर्ट ट्रिक वो ट्रिक मैंने आज तक कभी किया ही नहीं आप लोगों को ज़्यादा पता होगा शॉर्ट ट्रिक का मैं हमेशा बेसिक कंसेप्ट से पढ़ा हूँ बेसिक कन्सेप्ट से पेपर दिए मैंने उसी से निकाला है शॉर्ट ट्रिक आप याद कर लो अगर आपको याद करना सही रहता तो शॉर्ट ट्रिक कर लो आप क्लियर है सो तो चॉइस ऑफ द मैप इज टू तो बी सेलेक्टेड इज सो तो चॉइस ऑफ द मैप इज टू तो बी सेलेक्टेड इज विल डिपेंड अपॉन यूज ऑफ द मैप तो विल डिपेंड अपॉन द एक्सटेंट ऑफ द टेरिटरी विच इज टू बी कवर्ड कितनी एक्सटेंट ऑफ टेरिटरी आपको कवर करनी है क्लियर चलो आगे बढ़ते हैं कुछ कॉमन स्केल्स बता रखिए सो सम ऑफ द कॉमन स्केल्स विच आर जनरली यूज इन वेरियस सर्वे दैट आर बीशनड तो कुछ कॉमन स्केल जो हम यूज करते हैं सर्वे के अंदर वो है ये आपका ऑब्जेक्टिव बनेगा जैसे टोपोग्राफिक सर्वे बता रखा है टोपोग्राफिक सर्वे आपको क्या होता है टोपोग्राफिक सर्वे वॉट इज बिंग टर्म टोपोग्राफिक सर्वे जिसमें हम टोपोग्राफिक फीचर्स के बारे में स्टडी करते हैं केडेस्ट्रल सर्वे प्रॉपर्टी लाइन मार्क करते हैं ज्योग्राफिकल सर्वे डिस्कस कर रखा है वी हैव अबाउट दिस आल्सो ज्योग्राफिकल सर्वे चलो तो स्केल की बात करें टोपोग्राफिकल सर्वे सेंटीमीटर इज इक्वल टू मीटर टू पॉइंट फाइव किलोमीटर इज इक्वल टू फाइव मीटर टू पॉइंट फाइव किलोमीटर ज्योग्राफिकल सर्वे वन सेंटीमीटर इज इक्वल टू फाइव किलोमीटर टू वन सिक्सटी किलोमीटर फॉरेस्ट मैप वन सेंटीमीटर इज इक्वल टू पॉइंट टू फाइव किलोमीटर तो कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं आपको यहाँ पे फ्यू एग्जाम्पल्स आर गिवन टू यू क्लियर है यहां तक चलो जरा बताना इसमें देख कौन सी स्केल सबसे छोटी है कौन सी स्केल सबसे बड़ी है विच ऑफ दी स्केल आउट ऑफ टू इज कंपैरेटिवली स्मॉलर और कौन सी स्केल कंपैरेटिवली बड़ी है इन चारों में से सबसे छोटी वाली स्केल कौन सी है ज्योग्राफिकल स्केल स्मॉलर तो ज्योग्राफिकल स्केल स्मॉलर ये सबसे छोटी स्केल है और सबसे बड़ी स्केल कौन सी है अंकित ने बिल्कुल सही बोला शुभम ने बोला रोहित ने बोला सब सही आंसर बता रहे हैं वाह गजब चलो जोग्राफिकल स्केल सबसे बड़ी स्केल कौन सी गई इसके अंदर सबसे बड़ी स्केल तो सबसे बड़ी स्केल हमारी याद हो तो गई 0.25 किलोमीटर 5 मीटर ये भी डाल सकते हो 0.25 से छोटी भी तो है ना ये तो ये हमारी आ गई लार्जेस्ट सो तो दिस इज लार्जेस्ट पांच मीटर भी आ गया ना यहां पे फाइव मीटर इज तो जो कैडेस्ट्रल सर्वे है इसकी स्केल क्या आ गई हमारी लार्जेस्ट स्केल आ गई है तो दिस स्केल इज लार्जेस्ट स्केल अब यहां से एक और कंसेप्ट निकल के आता है यहां से एक और कंसेप्ट निकल के आता है क्या चूज अ स्केल विच इज लार्ज इनफ चूज अ स्केल ध्यान से सुनना चूज अ स्केल विच इज लार्ज इनफ सो दैट इन प्लॉटिंग अ स्केल डिस्टेंस फ्रॉम दिनिश्ड मैप इट विल नॉट बी नेसेसरी टू रीड द स्केल क्लोजर देन पॉइंट टू फाइव एम एम मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं चूज अ स्केल लार्ज इनफ कहने का मतलब है मैंने कंडीशन स्केल की मिनिमम वैल्यू के ऊपर डाली है मैक्सिमम वैल्यू के ऊपर डाली है मैं बोल रहा हूं चूज अ स्केल विच इज लार्ज इनफ सो दैट इन प्लॉटिंग और इन स्केलिंग द डिस्टेंस अगर आप फिनिश्ड मैप को पढ़ रहे हो तो पॉइंट टू फाइव एम एम से कम दूरी नहीं पढ़नी पड़े तो मैं कंडीशन किसके ऊपर लगा रहा हूं मिनिमम वैल्यू के ऊपर लगा रहा हूं तो चूज स्केल लार्ज इनफ अब लार्ज वर्ड यूज किया मैक्सिमम के ऊपर मत चले जाना मिनिमम के ऊपर लगा रहे हम तो मेरा कंडीशन लग रहा है मिनिमम के ऊपर तो कम से कम इतनी स्केल तो रखो तो कम से कम इतनी स्केल तो रखो कि जब आप मैप को पढ़ रहे हो जब आप मैप को पढ़ रहे हो मैप के ऊपर ये लाइन बनी हुई है ए बी आपने इस एबी को नापा जब आप इस ए बी को नापने बैठे तो जब आप इस ए बी को नापने बैठे 0.25 टू mm फाइव एम से छोटी वैल्यू नहीं आनी चाहिए 0.25 टू mm फाइव एमएम से छोटी वैल्यू नहीं आनी चाहिए क्योंकि 0.25 टू mm फाइव एम से छोटी वैल्यू होगी आप देख ही नहीं पाओगे उसे इतनी छोटी वैल्यू हो जाती है तो आपकी स्केल इतनी बड़ी तो होनी चाहिए कि जब आप मैप्स को पढ़ो किससे छोटी वैल्यू नहीं पढ़नी पड़े पॉइंट टू फाइव एमएम से छोटी वैल्यू नहीं पढ़नी पड़े

फर्स्ट टाइप ऑफ स्केल इज नोन एज प्लेन स्केल पहली स्केल मेरे हिसाब से सबने इसको यूज कर रखी होगी जिसने सबने स्कूल में जो प्लेन स्केल आती है रूलर होता है प्लेन स्केल वो स्केल होती है ऑन विच इट इज पॉसिबल टू मेजर टू डायमेंशन प्लेन स्केल वो स्केल होती है, है जिसमें आप दो डायमेंशन मेजर कर पाओ दो डायमेंशन कौन से मेजर कर पाओ एक यूनिट और एक टेंथ जैसे एग्जाम्पल लेता हूं मैं जैसे आप सेंटीमीटर मेजर कर सकते हो और एम mm भी मेजर कर सकते हो यू कैन मेजर सेंटीमीटर एंड एम जैसे एग्जाम्पल और आप मीटर मेजर कर सकते हो और डेसीमीटर मेजर कर सकते हो यू कैन मेजर मीटर ऑल्सो यू कैन मेजर डेसीमीटर डेसीमी आप डेसीमीटर की भी मेजरमेंट कर सकते हो उसके अंदर क्लियर है तो प्लेन स्केल वो स्केल होती है जिसमें हम दो डायमेंशन पढ़ सकते हैं एक यूनिट प्लेस वाला और एक टेंस प्लेस वाला तो आप जो स्कूल कॉलेज में रूलर यूज करते हो वो कौन सी स्केल होती है स्केल इज वॉट देट स्के प्लेन स्केल ओनली तो इसी तरह की स्केल होती है स्केल इज ऑफ दिस टाइप ओनली सपोज जीरो फोर फाइव तो इसमें आप कौन कौन सी रीडिंग निकाल लेते हो दो तीन चार पाँच तो यूनिट और टेंस प्लेस वाली रीडिंग उठा सकते हो तो उसको टू डायमें फर्स्ट टाइप ऑफ स्केल इज ओन इज वॉट प्लेन स्केल इसकी मैंने रियल पिक्चर नहीं उठाई क्योंकि कोई सेंस ही नहीं है क्योंकि सबने देख रखी होगी आगे मैं आपको डायग्राम बता दूंगा आगे मैं आपको डायग्राम मेंशन कर दूंगा मैं स्केल स्केल एज डायनल स्केल इन डायगनल स्केल थ्री डायमेंशन कैन बी मेजर्ड हां बिल्कुल सही बात है आ गई वो भी डायगनल स्केल आ गई है सो नेक्स्ट ऑफ दिलग्नल स्केल अब डायगनल स्केल क्या होती है डायगनल स्केल इज दैट टाइप ऑफ स्केल ऑन विच इट इज पॉसिबल टू मेजर थ्री डायमेंशन कौन सा यूनिट और हंड्रेड जैसे एग्जाम्पल आप मीटर मेजर कर सकते हो डेसीमीटर मेजर कर सकते हो और सेंटीमीटर मेजर कर सकते हो तो वो स्केल जिसके ऊपर तीन डायमेंशन मेजर किए जा सकते हैं इसको हम क्या बोलते हैं डायग्नल स्केल अब डायग्नल स्केल किस फंडे पे काम करती है डायग्नल स्केल काम करती है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वट सिमिलर ट्राइंगल डायगनल स्केल किस फंडे पे काम करती है सिमिलर ट्राइंगल के फंडे पे काम करती है अब ध्यान से समझना कैसे इस बात को समझाने के लिए मैंने डायग्राम बना रखा है इस बात को समझाने के लिए मैंने डायग्राम बना रखा है ये इंजीनियरिंग स्केल है इंजीनियरिंग स्केल भाई इंजीनियरिंग स्केल कहां से आ गई कौन सी इंजीनियरिंग स्केल भैया उसमें यूनिट लिखने पड़ते हैं यूनिट थोड़ी बताया हाँ सिमिलरिटी पे काम करती है देखो मेरे पास एक लाइन है ए बी आई हैव वन लाइन ए बी मेरे को इस लाइन ए बी को अलग अलग टुकड़ों में तोड़ना है सर आपने ये कंसेप्ट कैसे क्लियर किए कोचिंग या सेल्फ स्टडी उससे इसके भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे चलो हाँ मेरे पास एक लाइन है ए बी आई अ लाइन ए बी मुझे इस लाइन को अलग अलग टुकड़ों में तोड़ना है आई लाइन इन सेवरल यूनिट्स इस बात को करने के लिए हमने क्या किया हमने एक लाइन बनाई बी सी वी अ लाइन बी सी परपेंडिकुलर टू ए बी हमने एक लाइन बनाई बी सी विच परपेंडिकुलर टू ए बी और इस लाइन को दस पार्ट में डिवाइड कर दिया आई हैव डिवाइडेड दिस लाइन इन एव डिडेड दिख रहे हैं दस पार्ट तो एक पार, दो पार, 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 पार्ट 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 दो तीन चार पांच छह एंड आखिरी वाला है तो उसको दस इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रखा है चलो समझ में आता है मैंने ए और सी को ज्वाइन किया ए और सी को ज्वाइन किया ये जो भी आपके दस इक्वल पार्ट है यहां से मैंने एक लाइन बनाई विच इज पैरल टू ए बी लाइन सो विच इजरल टू ए बी लाइन टू पॉइंट से एक और लाइन बनाई विच इज पैरल टू ए बी लाइन एंड सो ऑन चलती गई बात तो बात चलती गई अब जरा चेक करो अगर मैं कौन -कौन से ट्राइंगल सी ए इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी वन डैश वन सिमिलरिटी आ गई निकल के अब जब ये सिमिलरिटी निकल के आ गई इस बात का मतलब क्या हुआ इस बात का मतलब ये हुआ ए सी अपॉन वन डैश वन इज इक्वल टू वॉट आप बोल सकते हो ए सी अपॉन वन डैश वन इज इक्वल टू इज इक्वल टू सी बी अपॉन सी वन तो सी बी अपॉन सी वन तो आ गई ये रिलेशनशिप निकल के और सी बी और सी वन में क्या रिलेशनशिप है हमें पता है जो सी वन है वो सी बी का कितना है जो सी वन है वो सी बी का वन टेंथ है दस इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं इट मीन वट कैन बी स्टेटेड इसका मतलब जो वन डैश वन है 1 -1, it is equal to ये portion नीचे आ जाएगा ये पोर्शन जब उठ के नीचे आ जाएगा this becomes equal so much. By 10. तो जो 1 -1 है, वो ए बी का कौन सा पोर्शन हो गया वन टेंथ पोर्शन हो गया इसका मतलब जो वन डैश वन है अच्छा ए बी है क्या तो ए बी है तो ए बी कर दो ए बी कर दो लो। नॉर्मन क्लियचर ये भी है तो ए भी कर दिया क्लियर है पूरी कहानी सर आपने ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में रेलवे इंजीनियरिंग नहीं पढ़ाया कब पढ़ाओगे बेटा जब तुम ट्रेन की टिकट खरीदोगे तब पढ़ाऊंगा जैसे तुम ट्रेन की टिकट खरीद के यूट्यूब पे आओगे ट्रांसपोर्ट रेलवे उसी समय खत्म हो जाएगी तो तुम फटाफट जाओ ट्रेन की टिकट खरीदो और यूट्यूब पे आओ और टाइप करो रेलवे इंजीनियरिंग बाय जसपाल सर उस समय रेलवे पूरा हो जाएगा इट विल बी कंप्लीटेड देयर टिकट ही नहीं ली तो कैसे तुम्हें रेलवे मिल जाएगी क्लियर है पूरी कहानी चलो तो ये डायगनल स्केल का भी प्रिंसिपल निकाल के बता दिया सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ डायगोनल स्केल सिमिलैरिटी के ऊपर काम करता है इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी इसका एक एग्जाम्पल भी दे रखा है वन एग्जांपल इज आल्सो गिवन टू यू चेक ये हमारी डायगनल स्केल है सारे ट्राइंगल सिमिलर है हाँ भाई फिर से मेरी गलती है सारे ट्राइंगल सिमिलर हैं जैसे एग्जांपल अगर मैं दूसरा रिलेशन बताऊं टू डैश टू इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू ए बी सो इज इक्वल टू ए बी मिट जा भाई का टू बाय टेन वैसे ही थ्री डैश थ्री इज इक्वल टू थ्री बाय टेन टाइम्स ऑफ ए बी डैश फोर इज इक्वल टू फोर बाय टेन टाइम्स ऑफ एबी एंड सो ऑन तो ये सारे ट्राइंगल ही सिमिलर है ऑल दीज ट्राइंगल्स आर सिमिलर तो वो मैंने छोड़ दिया लिखना कि यार एक चीज तो बता दी यहां से दूसरी चीज तो समझ ही जाओगे आप यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस तो सारे ट्राइंगल ही सिमिलर है ऑल दी ट्राइंगल्स आर सिमिलर अच्छा इसका एग्जाम्पल भी दे रखा है ये हमारी डायगनल स्केल है दिस इज अव डायगनल स्केल अब डायगनल स्केल को पढ़ते कैसे हैं वो समझते हैं डायगनल स्केल को पढ़ते कैसे हैं वो समझते हैं जरा चेक करो दिस इज दिसगनल स्केल ये हमारी डायगनल स्केल बनी हुई है जब आप डायगनल स्केल की मेजरमेंट कर रहे हो वैन यू आर रीडिंग द दायगनल स्केल लेट सपोज मेरे को दूरी नापनी है अब दूरी नापनी है कौन सी दूरी नापू दो तीन पॉइंट्स तो हैं इसके ऊपर टू थ्री पॉइंट्स आर देयर टू थ्री पॉइंट्स आर देयर इसको हम करते हैं ये ट्वेंटी वन सो ये आपको एक पॉइंट बना के दे दिया सो so, एक पॉइंट बना के दे दिया सो so, एक पॉइंट बना के दे दिया जरा मुझे बताएगा कोई कि ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी दिस डिस्टेंस विल बी हाउ मच ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी बोर्ड के ऊपर मैंने एक लाइन बनाई जरा उसकी दूरी ना आपके बताना कितनी है मैंने बोर्ड के ऊपर एक लाइन बनाई है उसकी दूरी कितनी है ट्वेंटी वन चलो ट्वेंटी वन बिल्कुल सही बात है कितने यूनिट पढ़े आपने यहां पे हाउ मेनी यू हैव रेड अभी कितने डायमेंशन पढ़ लिए आपने, आपने. So so आपने यूनिट और लिया दो डायमेंशन पढ़ लिए आपने सो टू आर रेड एंड लिया तो दो डायमेंशन आपने पढ़ लिए यहां पे यूनिट भी पढ़ लिया टेन भी पढ़ लिया चलो एक और पॉइंट उठाता हूं लेटे सपोज ये भी वन है ये भी वन है तो जरा मुझे कोई बताएगा ये वाली डिस्टेंस कितनी है वट इज द डिस्टेंस ये डिस्टेंस कितनी है हमारी ट्वेंटी अरे ट्वेंटी छोड़िए अरे डायमेंशन की बात चल रही है आर टॉकिंग अबाउट तो ये कितनी है नाइन यूनिट सो दिस इज नाइन यूनिट आई एम टॉकिंग अबाउट द डायमेंशन कितने डायमेंशन पड़े यूनिट पड़ा टेंस पड़ा हंड्रेड पड़ा उसकी बात कर रहे हैं तो ये यूनिट है ये टेंस है ना तो वैसे पूछ रहा हूं मैं चलो अब अगली वैल्यू पढ़ के बताओ एक और वैल्यू पढ़ते हैं अब हम आई एल बी रीडिंग वन मोर वैल्यू सो वन मोर वैल्यू इसको मिटाते आई एल बी इरेजिंग दिस इसको इरेज किया अब जरा बताना ये कितनी वैल्यू है दिस इज हाउ मच अभी जो मैंने लाइन बनाई है इसकी दूरी कितनी है अभी जो मैंने लाइन बनाई है इसकी दूरी कितनी है जीरो जीरो से ट्वेंटी सो जीरो से ट्वेंटी फिर हम आगे गए सिक्स तक सिक्स वाली वर्टिकल लाइन कितनी हो गई ट्वेंटी सिक्स तो आगे गए वैल्यू कितनी निकल के आ गई ट्वेंटी सिक्स निकल के आ गई सो दिस इज ट्वेंटी ट्वेंटी सेवन नहीं है बेटा देखो ना यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट आ रहा है वो यहां पर आ रहा है ना सीधा सिक्स पे सो दिस इज ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन थोड़ी है ट्वेंटी सेवन के लिए मेरे को आगे जाना पड़ेगा ना एक ट्वेंटी सिक्स ओनली सैमसंग हो सकता है थोड़ा ज्यादा करना पड़े इतना क्लियरली नहीं दिख रहा पर ये ट्वेंटी सिक्स है दिस इज ट्वेंटी सिक्स अब वापस तसली से देखना तसली से देखना क्या पूछ रहा हूं मैं जरा मुझे बताना ये वाली वैल्यू कितनी है दिस वैल्यू इज हाउ मच ये वाली दूरी कितनी है लेकिन सर आगे तो 21 है ना आगे 21 है अरे भाई यहीं पे आगे रोक दिया प्रभु इस डॉट तक थोड़ी लेके गया हूं मैं आगे ट्वेंटी वन कहां पर है बीस पे आगे रोक दिया ना मैंने दूसरे वाले डॉट तक थोड़ी ना गया था कि पीछे ट्वेंटी वन होता यहीं पे रोका हुआ है भैया ट्वेंटी है, यही बताना था इट इज नॉट ये देखो कैप्टन जैक्स पेरोन ने बताया है कैप्टन जैक्स पेरो ने भी गलत बताया है ये सत्य प्रकाश ने बिल्कुल सही बताया सत्य प्रकाश सचिन शेखर और गौतम यादव अब सब सही बता रहे हैं देखो ट्वेंटी तो यही बना दिस इज ट्वेंटी ये हमारा ट्वेंटी बन गया देन छ यूनिट यहां पर आ रहा था सो दिस इज अवर सिक्स यूनिट सो दिस इज यूनिट अब मेरी दिसग्नल स्केल आई नाउ डाइगनल स्केल इज इन टू दिक्चर जरा चेक करो ये डायगनल स्केल चलाई ये डायग्नल स्केल चलाई और जाके ये किसको मीट कर रही है ये मीट कर रही है हमारे पॉइंट सिक्स वाले फैक्टर को इसका मतलब छ से ऊपर और कितनी वैल्यू आई

थ्री डायमेंशन आर पॉसिबल तो डायगनल स्केल में जिसमें आप तीन डायमेंशन पढ़ पाओ क्लियर है चलो आगे बढ़ते विल कंटिन्यू इज वर्नियर स्केल अगली जो स्केल अवेलेबल है उसको हम बोलते हैं वर्नियर स्केल अब क्या होती है वर्नियर स्केल फिर से मैं अजम्पन लेकर चल रहा हूं कि आपने अपने कॉलेज में कभी ना कभी वर्नियर कैलीपर यूज किया होगा अभी मैं इसकी पिक्चर भी दिखा दूंगा आई शो यू दिक्चर ऑल्सो येलो देख लो कहा है वर्नियर कैली पर ये रहा वर्नियर कैलीपर सो दिस इज वर्नियर कैलिपर विच इज बिंग शोन टू यू ये वर्नियर कैलिपर आपको दिखा रखा है तो कभी ना कभी आपने वर्नियर कैलिपर यूज किया होगा अपने लैब के अंदर या आ, जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग की वर्कशॉप लगती थी उसके अंदर अब होता है क्या है वर्नियर वर्नियर को डिफाइन करें वर्नियर स्केल या वर्नियर कैलिपर एक स्पेशल डिवाइस होता है विच इज यूज फॉर मेजरिंग एक्यूरेटली द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट डिविजन ऑन द ग्रेजुएटेड स्केल और मेन स्केल मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं वर्नियर स्केल एक स्पेशल टाइप ऑफ स्केल होती है जिससे आप एक्यूरेटली मेजर कर सकते हो क्या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीजन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द मेन स्केल जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं एग्जांपल लेता हूं ये मेरी मेन स्केल है एग्जांपल लेते हैं ये हमारी मेन स्केल है दिस इज अवर मेन स्केल जीरो सो एक दो तीन चार पांच एक दो तीन चार पांच ये आ गया वन फिर एक दो तीन चार पांच एक दो तीन चार पांच ये आ गया टू जरा बताना इस मेन स्केल के ऊपर सबसे छोटी डिवीजन कौन सी है ये मैं सेंटीमीटर में लिख रहा हूं दिस आई एम राइटिंग इन सेंटीमीटर मैंने आपको एक मेन स्केल बना के दिखाई उस मेन स्केल के ऊपर सबसे छोटी डिवीजन कौन सी है वॉट द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन दिस मेन स्केल द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन दिस मेन स्केल एक एम mm एम पढ़ सकते हो आप अगर ये एक सेंटीमीटर है तो ये क्या लिखा हुआ है एक एम mm. तो मैं एक एम mm पढ़ सकता हूं अब वर्नियर स्केल क्या होती है वर्नियर स्केल जो सबसे छोटा डिवीजन है इस स्केल का सबसे छोटा डिवीजन, तो स्मॉलेस्ट डिवीजन। सो स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल तो स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज हाउ मच वन एम इसका भी फ्रैक्शनल पार्ट अगर आपको पढ़ना हो वो आप कैसे पढ़ सकते हो वो आप पढ़ सकते हो विद हेल्प ऑफ वर्नियर स्केल तो वर्नियर स्केल वो स्केल है जो मेन स्केल के स्मस्ट डिवीजन का भी क्या पढ़वा दे आपको फ्रैक्शनल पार्ट पढ़वा दे दिस टाइप ऑफ स्केल इज नोन एज वॉट वर्नियर स्केल इसको हम वर्नियर स्केल बोलते हैं क्लियर है चीज रिपीट करना है कुछ भी एनी ऑफ टू बी फॉर दू बिसम एक फ्रैक्शन को भी पढ़ा देगा बिल्कुल सही बात है कैप्टन जैको तो जो हमारी वर्नियर स्केल है ये एक एम एम के फ्रैक्शन को भी पढ़ा लेंगे एब्सोल्यूटली करेक्ट चले आगे तो फिर वर्नियर स्केल में क्या होता है वर्नियर स्केल में एक छोटी स्केल भी लगी हुई होती है जिसको हम क्या बोलते हैं वर्नियर स्केल बोलते हैं सो अ वर्नियर कैलिपर कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल स्केल विच इज नोन एज वॉट वर्नियर स्केल दैट मूव अलोंग विद मेन स्केल जरा चेक करो ये हमारा क्या है वर्नियर कैलिपर है ये वर्नियर कैलिपर के ऊपर ही हमारी मेन स्केल बनी हुई है वर्नियर कैलिपर के ऊपर और इसमें एक छोटी स्केल लगी हुई होती है जिसको हम क्या बोलते हैं तो वर्नियर कैलिपर पे एक छोटी स्केल लगी हुई होती है जिसको हम क्या बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं वर्नियर स्केल विच इज नोन एज वर्नियर स्केल और ये वर्नियर स्केल क्या कर सकती है मेन स्केल के ऊपर मूव कर सकती है इट कैन मूव ऑन दी मेन स्केल क्लियर चीज नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस

उसको बस पीपीटी में दिखाने के लिए बनाया था इससे कोई मेजरमेंट नहीं होती है From vernier scale, no measurement can be done. तो जब आप मैंने दिया कि कि आपने वर्कशॉप वर्कशॉप में में यूज़ की होगी, होगी भी आपको पीपीटी दिखाई ऐसे कि देखो ये वर्नियर वर्नियर स्केल स्केल। है हमारी, दिखाते हैं चले आगे तो अभी पीछे कोई पूछ रहा था कि मेन स्केल क्या होती है वॉट इज मेन स्केल ये हमारी मेन स्केल है दिस इज दिन स्केल और इस मेन स्केल के ऊपर ये छोटी स्केल लगी होती है इस छोटी स्केल को क्या बोलते हैं इस छोटी स्केल को हम बोलते हैं वर्नियर स्केल और ये जो वर्नियर स्केल है मेन स्केल के ऊपर मूव कर सकती है इट कैन मूव ओवर दी मेन स्केल एक और भी डायग्राम होगा इसका आई हैव वन मोर डायग्राम नहीं रियल पिक्चर खत्म हो गई बस यही है रियल पिक्चर और नहीं है इसकी रियल पिक्चर कोई भी तो सफिशियंट रियल पिक्चर दिखा दिए आपको सफिशियंट रियल पिक्चर्स आर बिंग शोन तो हम बात क्या कर रहे थे वी आर टॉकिंग अबाउट वॉट हम बात यह कर रहे थे कि जो हमारी वर्नियर स्केल है वर्नियर स्केल में एक इंडेक्स मार्क होता है जिसको हम क्या डिनोट करते हैं जिसको हम बोलते थे जीरो भाई सारी प्रैक्टिकल बातें तो बता रहा हूँ मेन स्केल और वर्नियर स्केल में यूनिट सेम लिखा रहेगा हाँ यूनिट सेम लिखा रहेगा अभी उस पर आ रहा हूं ना अभी खत्म थोड़ी हुई अभी बस मुंह से नाम निकाला है बस आपको यही बताया कि मेन स्केल क्या होती है और वर्नियर स्केल क्या होती है अभी एक एक करके सारे आएंगे विल डिस्कस ईच पॉइंट वन बाय वन तो वहां तक पहुंचने दो पहले अभी तो बस यही बताया कि वर्नियर स्केल में एक इंडेक्स मार्क होता है उसके ऊपर जीरो लिखा हुआ होगा इट विल बी टर्म डे जीरो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस नेक्स्ट पॉइंट क्या है नेक्स्ट पॉइंट ये बोल रहा है नेक्स्ट पॉइंट ये बोल रहा है कि जो डिविजन्स होते हैं जो डिविजन्स होते हैं वर्नियर स्केल के ऊपर और मेन स्केल के ऊपर ये अलग अलग डायमेंशन के होते हैं तो डिवीजन ऑन दी वर्नियर स्केल कैन बी मेड आइदर शॉर्ट और कैन बी मेड आइदर बिग इन कंपेरिजन टू दिन स्केल जरा चेक करना यह मैंने मेन स्केल बना के दिखा रखी है दिस इज मेन स्केल विच इज बिंग शोन टू यू ये एक डिवीजन है मेन स्केल का ये एक डिवीजन है मेन स्केल का ये एक डिवीजन है वर्नियर स्केल का ये एक डिवीजन है वर्नियर स्केल का डायग्राम स्केल पे नहीं है जरा बताना किसका डिविजन बड़ा है मेन स्केल का डिवीजन बड़ा है या वर्नियर स्केल का डिवीजन बड़ा है मेन स्केल का एक डिवीजन बड़ा है किससे वर्नियर स्केल के एक डिवीजन से पर उल्टा भी हो सकता है इट मे बी रिवर्स ऑल्सो ऐसा भी मिलेगा आपको कि मेन स्केल की डिवीजन छोटी है एक और वर्नियर स्केल की डिवीजन बड़ी है तो ये डेढ़ हो गया ये तीन हो गया

जो लीस्ट काउंट होता है इसका जो उसका लीस्ट काउंट है वो किसके बराबर है इट इज द डिफरेंस ऑफ लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑफ द मेन स्केल वन डिवीजन ऑफ द मेन स्केल एस एंड वन डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल वन डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल वी दिस विल बी टर्म एज लीस्ट काउंट अच्छा ये लीस्ट काउंट कब लिखोगे आप ये लीस्ट काउंट तब लिखोगे जब एस की वैल्यू वी से क्या हो ज्यादा हो वेन वन डिवीजन ऑफ द मेन स्केल इज बिगर देन वन डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल अगर हमारा वी एस से बड़ा हो जाए तो लिस्ट काउंट क्या लिखेंगे हम वी माइनस एस कर देंगे डायमेंशन चेंज होंगे पर यूनिट सेम नहीं होगा ना दोनों स्केल का हाँ, चलिए सर क्या रीजन है इसके पीछे तो बेटा वो बताने कहा दे रहे हो आप इसके पीछे क्या रीजन है वो बताने नहीं दे रहे आप अभी तो बस मैंने ये बोला कि वर्नियर स्केल क्या होती है मुंह से निकाला वर्नियर स्केल क्या रीजन है इसके पीछे तो वो रीजन समझने के लिए भैया पेशेंस रखनी पड़ेगी ना क्लियर आता की कहानी तो पहला वाला एग्जाम्पल क्या है पहले वाले एग्जाम्पल में एस इज ग्रेटर दूसरे वाले एग्जाम्पल में क्या है दूसरे वाले एग्जाम्पल में ये हमारा वी है ये वर्नियर स्केल की एक है, और ये मेन स्केल की एक डिवीजन है V V is greater than S. If v is greater greater than than S. S, If count क्या है Least काउंट इज इक्वल टू V minus S. मतलब आपको क्या खुद के ऊपर इतना भरोसा है कि मैं अगर एक लाइन बोलूं एक टॉपिक के बारे में दो मिनट भी नहीं बोलने देते और आपको उसके बारे में सब कुछ समझ में आ जाए मतलब इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है आपको अपने ऊपर कि एक टॉपिक जिसको हो सकता है पहली बार पढ़ रहे हो क्योंकि सर्वेइंग पढ़ा दो सर सर्वेइंग पढ़ा दो कभी नहीं पढ़ाई सर्वेइंग में कुछ समझ में नहीं आता तो इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ गया आप लोगों में कि जो चीज मैंने अभी एक मिनट के लिए बताई उसके बारे में सब कुछ समझ में आ जाए आपको तो थोड़ी तो पेशेंस रखो भाई सो so, अभी तक हमने क्या बात करी अभी तक हमने बात करी कि वर्नियर स्केल क्या होती है वॉट इज वर्नियर स्केल ये एक स्पेशल डिवाइस होता है जिसको हम यूज करते हैं टू रीड द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट रिविजन ऑन द ग्रेजुएटेड स्केल स्केल और मेन सेकंड सेकंड हम क्या बोल सकते हैं वर्नियर स्केल में एक छोटी स्केल होती है जिसको वर्नियर स्केल बोला जाता है विच मूव अलोंग मेन स्केल जो मेन स्केल के स्केलॉन्ग मूव करती है इन वर्नियर स्केल देर इज एन इंडेक्स मार्क देर इज एन इंडेक्स मार्क विच इज टर्म एन इंडेक्स मार्क विच इज डेस जीरो जिसको हम जीरो मार्क कर देते हैं जो डिविजन होते हैं वर्नियर स्केल के ये छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं किससे मेन स्केल के डिवीजन से जो लीस्ट काउंट होता है जो लीस्ट काउंट होता है ऑफ द वर्नियर स्केल प्रोवाइडेड मेन स्केल का डिविजन बड़ा हो और वर्नियर स्केल का डिविजन क्या हो छोटा हो तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है टेक प्रॉपर केयर ऑफ दिस क्लियर है चलो इस बात को समझने के लिए अब हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट रीड वन एग्जाम्पल अब जरा देखो ये आपके सामने एग्जाम्पल बना हुआ है ये वर्नियर कैलीपर है मैं थोड़ा साइड में हट जाता हूं अब ये स्केल के ऊपर जो रीडिंग आई हुई है मुझे वो रीडिंग बतानी है आपको इसमें मैंने जो ड्राइंग बनाई है या जो आपके सामने वर्नियर बना हुआ है इसमें जो वैल्यू आई है वो पढ़ के बतानी है अब वो वैल्यू पढ़ के बतानी है इस बात को समझने के लिए चेक करते हैं इस बात को समझने के लिए चेक करते हैं देखो नीचे वाली हमारी वर्नियर स्केल है दिस इज अवर वर्नियर स्केल और ये हमारी मेन स्केल है आप अपने हमेशा एक हैंड फोल्ड करके क्यों रखते हैं इसलिए कि विकास बाबू मेरे से ये सवाल पूछे अब मैं इस हाथ को फोल्ड करके नहीं रखूंगा मैं बस इसी दिन का वेआउट कर रहा था तेरह साल से मैं इसलिए पढ़ा रहा था फोल्ड करके हाथ कि एक दिन विकास बाबू प्रकट होगा और मुझसे वो सवाल पूछेगा अब तुमने ये सवाल पूछ लिया अब देखो मैंने हाथ नीचे कर लिया क्लियर है चलो अब हम मेन काम कर ले विल टेक अ रीडिंग ऑन दिस अब इसको रीडिंग लिखते इस रीडिंग को समझने के लिए जरा देखो ये फोर्टी लिखा हुआ है फोर्टी से पहले नाइन लिखा हुआ है नाइन से पहले एट लिखा हुआ है और जो वर्नियर स्केल का जीरो है वो किसके बाद स्टार्ट हुआ है जो वर्नियर स्केल का जीरो है वो किसके बाद स्टार्ट हुआ एट के बाद स्टार्ट हुआ इनफैक्ट आपको क्या वैल्यू दे दी इसने आपको वैल्यू दे दी इसने एट के बाद भी कौन सी वैल्यू दे रखी है एट के बाद इसने so so रीडिंग स्टार्ट मतलब हुई है दिस रीडिंग है सर ये मत बोलना है, तो एट पॉइंट फाइव लिखा हुआ था आपने थर्टी एट कैसे लिखा मेन रीडिंग कौन सी थी हमारी मेन रीडिंग थी फोर्टी ये हमारी रीडिंग कौन सी है 39 ये रीडिंग कौन सी बनी 38 और ये वाली रीडिंग कौन सी बन गई 38.5 सो so 38.5 क्लियर है चल आप देखो अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के अब आपको ये चेक करना है कि जो वर्नियर स्केल के डिवीजन है वो मेन स्केल के कितने डिवीजन पे जाके कोइंसाइड करता है जरा चेक करना इसको मिटाया पहला डिवीजन नहीं कोसाइड किया दूसरा डिवीजन को किया तीसरा नहीं किया चौथा नहीं किया पांचवा नहीं किया छठा नहीं किया सातवा नहीं किया ये जरा चेक करो आठवा डिवीजन को गया सो डिवीजन डिवीजन इज अब eighth division कर गया क्या मतलब हुआ इस बात का इसका मतलब मेन स्केल का जो सबसे छोटा वाला डिवीजन था मेन स्केल का सबसे छोटा वाला डिवीजन कौन सा मेन स्केल का सबसे छोटा वाला डिवीजन कौन सा था लेट अस सपोज ये सेंटीमीटर में चल रहा है दिस इज रनिंग इन सेंटीमीटर हमारी ये रीडिंग रन कर रही थी सेंटीमीटर के अंदर तो सबसे छोटी डिवीजन हो गई एम 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 का भी फ्रैक्शनल पार्ट एम एम का भी फ्रैक्शनल पार्ट कौन सा फ्रैक्शन एमएम mm का भी फ्रैक्शनल पार्ट कौन सा फ्रैक्शन हो गया एक एम mm एम है इसका भी फ्रैक्शनल पार्ट इसका भी फ्रैक्शनल पार्ट है आठवें पार्ट में जाके मिला इसका मतलब क्या हो गया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ दिस फ्रैक्शन को भी छोटा करो फ्रैक्शन को भी छोटा किया इसका मतलब वन एम mm को भी छोटा किया पॉइंट एट एम बिल्कुल सही बात है सो पॉइंट एट एम तो और छोटा कर दिया पॉइंट एट एम तो थर्टी एट पॉइंट पॉइंट एट नहीं पॉइंट जीरो एट सो थर्टी एट पॉइंट फाइव एट एम तो ये हाँ शामिल बिल्कुल सही बात बताई आपने एब्सोल्यूटली करेक्ट तो शामिल नहीं शामिल ही सो so, इट इज पॉइंट नहीं .08 है पॉइंट है इट इज़ नॉट पॉइंट एट एट तो फ्रैक्शनल पार्ट पढ़ना है आपको किसका स्मॉलेस्ट डिवीजन का तो हमारी रीडिंग कितनी निकल के आई हमारी रीडिंग निकल के आई 38.58 एट mm. पॉइंट तो ये हमारा वर्नियर स्केल बन गया दिसल क्लियर एट पॉइंट फाइव हाँ बेटा 8.58 पॉइंट तब होता ना जब ये 10 होती है। ये 10 थोड़ी है 40 है ना तो आपने सही बोला नीरज इस बात को भी क्लियर किया ना मैंने देखो इसकी आगे वाली रीडिंग कौन सी है आगे वाली रीडिंग 40 है ना ये अगर ये आगे वाली रीडिंग 10 होती तो आप बोल देते 8.58 पर आगे वाली रीडिंग 40 है इसका मतलब ये कौन सी बनी ये बनाई हमारी 38.58 सो यू आर करेक्ट 8.58 प्रोवाइडेड इंस्टेड ऑफ 40 देयर वुड हैव बीन होता हमारा क्लियर है हां चलो तो यहाँ तक की बात खत्म हुई यहाँ तक की बात खत्म हुई अब वर्नियर भी खूब तरह के होते हैं देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ वर्नियर विच आर अवेलेबल तो कौन कौन से वर्नियर है एक एक करके उठाते हैं सो देर आर सेवरल टाइप ऑफ वर्नियर विच आर अवेलेबल दैट विल बी डिस्कसिंग एक बार रिपीट कर दीजिए एक बार रिपीट कर दो भैया यहाँ पे फोर्टी था इससे छोटी वैल्यू पे गया तो थर्टी नाइन हो गया इससे और छोटी वैल्यू पे गया थर्टी एट बन गया ये आपको मिड पॉइंट मिला इसका मिड पॉइंट मिला मतलब थर्टी एट पॉइंट फाइव तो ये थर्टी एट पॉइंट फाइव हमारा तो ये हमारा थर्टी एट पॉइंट फाइव तो दिस वैल्यू इज थर्टी एट पॉइंट फाइव थर्टी एट पॉइंट फाइव अब नीचे वर्नियर स्केल निकाली वर्नियर स्केल निकाली फिर वर्नियर स्केल के डिवीजन मैंने देखे कहाँ पर जाके ये मेन स्केल के डिवीजन को मिल रहा है ये फिर काउंट किया एक दो तीन चार पाँच छः, सात आठ ये रहा आठ तो आठवें डिवीजन पे जाके मिल रहा है तो वर्नियर स्केल कि आठ डिवीजन जाके कोइंसाइड कर रहे हैं मेन स्केल के डिवीजन के साथ इसका मतलब क्या हुआ इस बात का मतलब हुआ हुआ इस बात का मतलब ये हुआ कि आपका जो सबसे छोटा डिवीजन था मेन स्केल के ऊपर सबसे छोटा डिवीजन कौन सा था मेरा सबसे छोटा डिवीजन कौन सा था मेरा दी स्मॉलेट डिवीजन वॉज एम एम उसका भी फ्रैक्शनल पार्ट यानी उसका भी एक दसवां हिस्सा कर दिया मैंने वो वाली वैल्यू निकल के आई है दैट वैल्यू इज बिंग मेजर्ट उस वैल्यू की मेजरमेंट कर दी हां थर्टी एट पॉइंट फाइव एट विल बीन सेंटीमीटर बिल्कुल सही बात है तो पॉइंट एट जो बोल रहे थे जब कन्वर्ट करोगे सेंटीमीटर के अंदर ये लिखे थे पॉइंट अच्छा यह एमएम mm या सेंटीमीटर बोल रहे हो ठीक है तो सेंटीमीटर में डालना है सेंटीमीटर में डाल दो तो पॉइंट एट, एट एमएम जीरो एट, अगर आप सेंटीमीटर तो mm में ले रहे हो तो सेंटीमीटर mm में ले लो एमएम में ले रहे हो तो एमएम में ले लेना वो वैल्यू कोई लिखी नहीं हुई इसके ऊपर ये फोर्टी लिखा हुआ है ना एम mm एम लिखा हुआ है ना सेंटीमीटर लिखा हुआ है तो मैंने उसको mm में ले लिया था आप सेंटीमीटर में लेना चाहते सेंटीमीटर में ले लो अगर सर वर्नियर में चौबीस पे लाइन क्रॉस करेगा तो क्या ये दस से पहले था अगर दस से ज्यादा होगा हाँ बिल्कुल हो सकता है वो कंडीशन भी आएगी अभी देख लेंगे आगे दैट कंडीशन कैन ऑल्सो भी रेड तो अगर वो दस से ज्यादा आ जाएगा तो वो कंडीशन देख लेते अभी दैट कंडीशन वील सी तो हमने वर्नियर स्केल कैसे रीड करते हैं उसका एक एग्जाम्पल दे दिया वन एक्जाम्पल इज बिंग गिवन टू यू अब कितने तरह के वर्नियर है उसको देखते हैं द फर्स्ट टाइप ऑफ वर्नियर विच इज़ अवेलेबल फर्स्ट टाइप ऑफ वर्नियर इज नोन एज डायरेक्ट वर्नियर स्केल तो पीछे जो वर्नियर बना के दिखाया है उसको बोलते ही डायरेक्ट वर्नियर स्केल है पीछे जो आपको वर्नियर दिखाई थी उसको बोलते ही डायरेक्ट वर्नियर स्केल है वर्नियर स्केल की नीड क्यों पड़ी ताकि इतनी छोटी वैल्यू पढ़ पाओ अगर वर्नियर स्केल नहीं होती तो आप तो बस क्या पढ़ पाते थर्टी एट पॉइंट फाइव तक ही पढ़ पाते अगर वर्नियर स्केल नहीं होती मेन स्केल पे तो आप बस यही पढ़ पा रहे थे क्योंकि वर्नियर स्केल आ गई हम और छोटी वैल्यू पे चले गए ये और छोटी वैल्यू पढ़ ली ना आपने यू हैव रेड वन मोर स्मॉलर वैल्यू इसलिए जरूरत पड़ी हमें वर्नियर स्केल की तभी तो बोला था ये स्पेशल टाइप ऑफ डिवाइस होता है जो सबसे छोटे डिवीजन के फ्रैक्शनल पार्ट को भी पढ़ लेता है तो जहां पर एक्यूरेट मेजरमेंट करनी हो वहां पे वर्नियर स्केल यूज करते हैं देयर वर्नियर स्केल इज यूज चलो आगे बढ़ते हैं हां पहली वर्नियर स्केल है हमारी डायरेक्ट वर्नियर स्केल डायरेक्ट वर्नियर स्केल वो स्केल होती है जिसमें वन डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल इज स्लाइटली शॉर्टर देन दन डिवीजन ऑन दिन स्केल मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं डायरेक्ट वर्नियर स्केल वो स्केल होती है जिसमें एक डिवीजन वर्नियर स्केल पे छोटा होता है किससे मेन स्केल से, से? यानी एस की वैल्यू बड़ी होती है किससे बी से इन केस ऑफ डायरेक्ट वर्नियर स्केल जो रीडिंग होती है हमारी मेन स्केल के ऊपर और वर्नियर स्केल के ऊपर सेम डायरेक्शन में बढ़ती है तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव है ध्यान रखना तो पहला पॉइंट पॉइंट फर्स्ट मेन स्केल स्केल की डिवीजन वर्नियर से बड़ी है दूसरा पॉइंट सेकंड पॉइंट क्या है सेकंड पॉइंट ये है कि मेन स्केल और वर्नियर स्केल दोनों की रीडिंग सेम डायरेक्शन में बढ़ेगी अब मुझे निकालना है लीस्ट काउंट इसके ऊपर दोबारा ऑब्जेक्टिव बनेगा लीस्ट काउंट के ऊपर लीस्ट काउंट क्या होता है वट इज लीस्ट काउंट उंट तो लीज काउंट विल बीवल टू एस माइनस वी डिफरेंस एंडियर डिवीजन छोटी छोटी है तो लेट एसपोज एन डिविजन ऑफ वर्नियर स्केल को इनसाइड्स विद एन माइनस वन डिविजन ऑफ मेन स्केल क्यों क्योंकि मेन स्केल का डिविजन बड़ा है तो नंबर ऑफ डिविजन क्या लगेंगे छोटे लगेंगे तो n डिवीजंस ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विद n 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल जैसे पीछे हुआ था तो इसको सॉल्व करके मैंने क्या निकाल लिया वर्नियर स्केल का एक डिवीजन निकाल लिया लीज़ काउंट क्या होती है s v होती है वैल्यू पुट करो जरा सो दिस विल बी इक्वल टू s n 1 s सो so s n सो दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू व्हाट तो अगर इसको हम सिंपलीफाई करें अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये बना एन एस माइनस एन एस सो माइनस एन एस प्लस एस बाय एन तो ये कैंसल आउट हो गया लीज काउंट क्या आ गई लीज काउंट आ गई हमारी एस बाय एन डायरेक्ट एक्सप्रेशन है तो लीज काउंट कम्स आउट टू बी एस बाय एन जिसमें एस क्या क्या है एस इज लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑन द मेन स्केल मेन स्केल के ऊपर मेन स्केल के ऊपर जो एक डिवीजन है उसकी लेंथ कितनी है क्लियर है मेन स्केल की डिवीजन चलो नेक्स्ट ऑफ द स्केल इज डबल वर्नियर अब क्या होता है डबल वर्नियर डबल वर्नियर स्केल वो स्केल होती है जिसके दोनों तरफ फिगर मार्क होते हैं सो वर्नियर स्केल इन विच मेन स्केल इज फिगर्ड इन बोथ द डायरेक्शन दैट वर्नियर इज नोन एज डबल वर्नियर तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं वो वर्नियर स्केल जिसमें मेन स्केल के दोनों तरफ वार्किंग मिले इसको हम क्या बोल देते हैं डबल वर्नियर बोल देते हैं। अब आपको कोई आएगा सर ऐसा क्यों करते हैं कई बार ऐसी भी रीडिंग लेनी पड़ जाती है जिसके दोनों तरफ मुझे मेजरमेंट लेनी हो तो आपको स्केल बार बार चेंज नहीं करनी पड़े तो पिछली वाली स्केल में तो क्या था पिछली वाली स्केल में रीडिंग एक तरफ ही बनी हुई थी पर अगर मेन स्केल के दोनों तरफ रीडिंग बनी हुई है तो आपको बार बार मेजरमेंट नहीं करना पड़ेगा तो कई बार ऐसा भी होता है प्रैक्टिकली फील्ड में मेरे को दोनों तरफ रीडिंग की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम टेक्निकली क्या बोल देते हैं उसको हम बोल देते हैं डबल वर्नियर इसका लीज काउंट भी कितना है एस बाय है दिखने में कैसे लगती है ये देखो दिस इज दफा डबल वर्नियर देखो दोनों तरफ रीडिंग बनी हुई है सो रीडिंग्स आर रीडिंग बोथ दी साइड्स तो डबल वर्नियर वो वर्नियर होता है जिसमें रीडिंग दोनों तरफ मार्क्ड होती है वे रीडिंग्स आर मार्क्ड ऑन बोथ दी साइड्स तो उसका एग्जाम्पल बना हुआ यहाँ पे। सर मजा आ गया वर्नियर देख के चलो भाई मजे लो यहां पर भी डाउट क्लियर है सारे चलो भई आगे बढ़ते मजा आ गया इनको डाउट कुछ है नहीं नेक्स्ट ऑफ दी स्केल इज रेट्रोग्रेड वर्नियर दोनों तरफ वर्नियर भी लगा हुआ होगा हाँ बिल्कुल दैट इज वाइट इज नोन एज वर्नियर द नेक्स्ट ऑफ दी वर्नियर इज नोन एज रेट्रोग्रेड वर्नियर दूसरा जो वर्नियर अवेलेबल होता है उसको हम बोलते हैं रेट्रोग्रेड वर्नियर अब क्या रेट्रोग्रेड वर्नियर रेट्रोग्रेड वर्नियर इज टाइप ऑफ दर्नियर इन विच डिजन ऑन दर्नियर स्केल इज स्लाइटली लॉन्गर धैन दिवीजन ऑन दिन स्केल रेट्रोग्रेड वर्नियर में वी की वैल्यू एस से ज्यादा होती है डिवीजन ऑन दर्नियर स्केल इज स्लाइटली ग्रेटर दैन द डिवीजन ऑन दिन स्केल अब यहां पर क्या होता है इनकेस ऑफ रेट्रोगियर द रीडिंग ऑन द मेन स्केल एंड दर्नियर स्केल इंक्रीजेज इन दोजिट डायरेक्शन रेट्रोग्रेड वर्नियर में मेन स्केल और वर्नियर स्केल के ऊपर रीडिंग ऑपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही होती है इस बात को समझने के लिए डायग्राम है आपके सामने सीधे डायग्राम ऊपर वाली हमारी मेन स्केल है मेन स्केल की रीडिंग इस डायरेक्शन में बढ़ रही है सो मेन स्केल की रीडिंग इज इंक्रीजिंग इन दिस डायरेक्शन पर जो वर्नियर स्केल होगी ये रेट्रोग्रेड का फिर एग्जाम्पल नहीं है वर्नियर की भी इसी डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है सो दिस इज नॉट द डायग्राम ऑफ दिस रेट्रोग्रेड का डायग्राम नहीं है रेट्रोग्रेड का डायग्राम अभी दूसरे पिक्चर में दिखा दूंगा वो भी हमारी डायरेक्ट वर्नियर स्केल आ गई सो so, दोनों साइड में सेम रीडिंग है प्लीज़ ना डबल वर्नियर हाँ दोनों साइड में सेम रीडिंग है दोनों साइड में सेम रीडिंग मिलेगी हाँ वो डायरेक्ट ही आ गई वो ये पिक्चर भी डायरेक्ट का ही आया हुआ है तो दिस पिक्चर इज ऑल्सो ऑफ डायरेक्ट लिख दो भाई ये तो बोलोगे सर रेट्रोगेड में ये वाला डायग्राम दिखा दिया तो रेट्रोगेड वर्नियर वो वर्नियर होता है जिसमें मेन स्केल की रीडिंग और वर्नियर स्केल की रीडिंग ऑपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज होती है अब क्योंकि पीछे वो ऐसे ही था तो मेरे को तो बना के दिखाना ही है मैं बना के दे देता हूं उसे डायग्राम डायरेक्ट वाला अवेलेबल नहीं है हम तो बना ही सकते हैं तो हम बना देंगे हमें बनाने में क्या दिक्कत है सो टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी ये हमारी मेन स्केल है दिस इज अवर मेन स्केल एंड दिस इज अवर वर्नियर स्केल

डबल वर्नियर में बस फर्क यह कि आपको स्केल को चेंज नहीं करना पड़ेगा यू डोंट हैव टू चेंज द स्केल तो कई बार हमें मेजरमेंट दोनों तरफ की चाहिए होती है वी रिक्वायर द मेजरमेंट ऑफ आइदर साइड तो स्केल को मैंने बीच में रखा यहां की भी रीडिंग ले ली और यहां की भी रीडिंग ले ली पर अगर एक तरफ ही स्केल होती है हमारी तो आप एक तरफ की रीडिंग ले पाते दूसरे तरफ की रीडिंग नहीं ले पाते इसलिए डबल वर्नियर स्केल यूज की जाती है जहां पर रीडिंग दोनों साइड एक साथ ली जा सके दैट इज द बेसिक पर्पज ऑफ डबल वर्नियर तो रेट्रोग्रेड वर्नियर क्या था रेट्रोग्रेड वर्नियर वो वर्नियर था जिसमें मेन स्केल की रीडिंग और वर्नियर स्केल की रीडिंग ऑपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज करे दूसरा यहां पे जो वर्नियर है उसका एक डिवीजन मेन स्केल के डिवीजन से बड़ा होता है क्लियर है वर्नियर का वन डिवीजन लार्जर होगा बिल्कुल सही बात है वी इज मोर देन एस देखो लिखा है तो वी एस से ज्यादा है तो वी इज मोर देन एस अब जरा चेक भी करो एन डिविजन ऑफ वर्नियर कोइंसाइड्स विद एन प्लस वन डिविजन ऑफ मेन स्केल तो एन डिविजन ऑफ वर्नियर ऑफ मेन स्केल यहां से कोलिया वी निकाल लिया वी इज इक्वल टू एन प्लस वन एस बाई एन तो इस बार लीस्ट काउंट एस हो जाएगी सो दिस इज इक्वल टू एन प्लस वन एस बाय माइनस एस ये हमारा लीस्ट काउंट हो गया सिंप्लीफाई करो दोबारा से क्या निकल के आ गया अगर दोबारा से सिंप्लीफाई करूं तो एन एस एन एस कट गया लीस्ट काउंट कितनी आ गई एस गई तो डायरेक्ट वर्नियर हो डबल वर्नियर हो चाहे रेट्रोग्रेड वर्नियर हो लीस्ट काउंट क्या निकल के आती है लीज काउंट हमारी एस वाई एन ही निकल के आ रही है तो काउंट कमिंग आउट क्लियर तो इट इज एस डबल वर्नियर में वी और एस कौन बड़ा होगा एस इज ग्रेटर देन वी डबल वर्नियर डायरेक्ट वर्नियर ही है बस उसमें रीडिंग दोनों तरफ है रीडिंग्स आर ऑन बोथ दी साइड्स इन न्यूमेरिकल इफ नॉट मैं इन क्वेश्चन विच टाइप ऑफ वर्नियर देन विच टाइप वी यूज तो आप ये बोल रहे हो कि सवाल में ये मैंशनड नहीं है तो आप कौन सा वर्नियर यूज करोगे तो आपके सवाल का जवाब देने से पहले मुझे ये बताओ फिल इन दिस ब्लैंक तो मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं पहले इसका जवाब देना ये एक ब्लैंक लिखा है मैंने इसको फिल करो पहले फिल दिस ब्लैंक जरा जवाब बताओ इसका बताओ ये ब्लैंक में क्या आएगा ये सवाल पूछा है तो ये सवाल पूछा हुआ है कि ब्लैंक भरो बताना इसका क्या आएगा? भाई जब सवाल में देख नहीं रखा तो जब सवाल में देख नहीं रखा तो मैं कैसे ले लूंगा उसके अंदर अपनी मर्जी से तो अगर उसको सवाल का जवाब चाहिए तो सवाल भी तो पूरा देना पड़ेगा मतलब सवाल पूरा पूछा नहीं जवाब पूरा चाहिए आपको फिगर होगा तो देखकर बता देंगे भैया वो तो सवाल के ऊपर डिपेंड करेगा बट सवाल में जानकारी पूरी होगी तभी सवाल बनेगा अब ये एक ऐसा सवाल बनाया अपने दिमाग में इसने जिसमें जानकारी नहीं दी है पर वो आंसर एक्सपेक्ट कर रहा है कि सर अगर ऐसा सवाल आया जिसमें उसने डाटा पूरा नहीं दिया तो उस समय मैं क्या करूंगा तो उस समय जो बचे हुए सवालों में डाटा पूरा दिया हुआ है उसको भी करके आओगे तब भी सिलेक्शन हो जाएगा आपका तो अगर ऐसा सवाल आया जिसमें डाटा गिवन नहीं है आपको आंसर निकालने के लिए तो बचे हुए सवाल जिसमें डेटा गिवन है अगर आप उसको कराओगे तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा ठीक है चलो अब आगे बढ़ते हैं हो गया ये हो गया भाई डाटा तो देगा ना वो बिना डाटा के कैसे काम करेगा नेक्स्ट ऑफ द टाइप ऑफ वर्नियर नेक्स्ट ऑफ वर्नियर इज एक्सटेंडेड वर्नियर अगला जो वर्नियर है इसको हम बोलेंगे एक्सटेंडेड वर्नियर एक्सटेंडेड वर्नियर क्या होता है इज एज वर्नियर कई बार क्या होता है इन सम केस वॉट एपन्स दैट डिविजन ऑन द मेन स्केल दैट डिवीजन ऑन द मेन स्केल आर वेरी क्लोज टू ईच अदर तो कई बार ऐसा होगा मेन स्केल के ऊपर जो डिविजन है वो बहुत ही पास है एंड इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट इफ द वर्नियर वर ऑफ नॉर्मल लेंथ मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कई बार मेन स्केल के ऊपर डिवीजन बहुत ही पास होते हैं

बड़ा है या n बड़ा है तो उस वैल्यू विल कम आउट टू तो भी बिगर अब यहां से तो देख के बता दो फ्रॉम हेयर यू कैन एनालाइज भाई यहीं से देख के बता दो किसकी डिवीजन किससे मैच कर रही है एग्जाम्पल ले लो टेक दैल्यू ऑफ एन टू लेट इज सपोज अगर कोई चीज डायरेक्टली नहीं क्लिक करती है तो एग्जाम्पल ले लिया करो एन की वैल्यू थ्री है एन की वैल्यू थ्री है तो थ्री टू दो कौन बड़ा है फाइव एस थ्री वी के बराबर है अब तो बता ही सकते हो कि वी की वैल्यू बड़ी है किससे एस के कंपेरिजन में क्लियर है चीज तो कई बार ऐसा होता है कि मेन स्केल के ऊपर डिवीजन बहुत ही छोटे हो जाते हैं उस समय अगर आपने नॉर्मल वर्नियर यूज किया तो आप उसे पढ़ ही नहीं पाओगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक्सटेंडेड वर्नियर को यूज करते हैं इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वी टेक द हेल्प ऑफ एक्सटेंडेड एक्सटेंडेड वर्नियर फिर से वर्नियर की लीज काउंट कितनी आती है काउंट ऑफ एक्सटेंडेड वर्नियर इज इक्वल टू सॉल्व करके निकाल सकते हो यू कैन सॉल्व पिक्चर में देखना है इसको यू हैव टू सी दिस इन है पिक्चर जरा ये देखो एनालाइज दिस तो ये पिक्चर बनी हुई है मेनी डिविजन ऑफ जरा चेक करना कितने डिविजन है मेन स्केल के ऊपर आपके सामने एक मेन स्केल बनी हुई है वर्नियर स्केल बनी हुई है कितने डिविजन है मेन स्केल के ऊपर होमेनी डिविजन आर देयर ऑन मेन स्केल तसली से सोच के बताना फोर्टी एट थर्टी नाइन और ध्यान से देखो कितने डिविजन्स है हाउ मेनी डिविजन आर देयर फोर्टी डिविजन आर देयर टेन बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव अरे भैया डिविजन देखना ना नीचे वर्नियर से भी तो मैच कराना है ये हमारा वर्नियर स्टार्ट हुआ जीरो से और वर्नियर के दस डिविजन तो टेन डिविजन्स ऑफ द वर्नियर

तो एन डिवीजन ऑफ वर्नियर इज इक्वल टू फोर एस और इज इक्वल टू फोर एन माइनस वन टाइम्स वन थर्टी आ गया सो इट कम्स शुट कम थर्टी नाइन तो, 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 तो एक्सटेंडेड वर्नियर का एक एग्जाम्पल है आपके सामने कितना टाइम लगेगा सर्वे के ऊपर वो डिपेंड करता है एरिया कितना सर्वे कर रहे हो इट डिपेंड्स तो कितनी टाइम लगेगी सर्वे को आप बताओ कितने एरिया में सर्वे करनी है आपको और कितनी कॉस्ट अवेलेबल है तो तो उतना ही वो उसी के ऊपर डिपेंड करता है ज़्यादा एरिया सर्वे करना है तो ज़्यादा टाइम लगेगा कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगी कम एरिया सर्वे करना है तो जल्दी खत्म हो जाएगा डायरेक्ट और डबल वर्नियर में बेसिक डिफरेंस टाइम सेविंग ये है हाँ बिल्कुल सही बात है डायरेक्ट और डबल में बेसिक डिफरेंस टाइम ही है कि टाइम सेविंग है उसके अंदर रेट्रोग्रेट वर्नियर क्यों यूज करते हैं रेट्रोग्रेट वर्नियर फिर से मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं अगर आपको और माइन्यूट रीडिंग उठानी है तो उस समय रेट्रोग्रेट वर्नियर यूज किया जाता है लार्ज स्केल में लार्ज स्केल है आपके पास स्केल बड़ी बनाई हुई है स्केल बड़ी बनाई हुई है छोटी जी डिटेल शो करेगी कंपेयर टू उसमें बिल्कुल सही बात है अगर आपकी स्केल लार्ज है तो छोटी जो डिटेल्स है वो भी आ जाएंगे निकल के स्मॉल डिटेल्स विल ऑल्सो कम आउट एक एग्ज़ाम्पल देंगे क्या दोनों तरफ की रीडिंग लेंगे एक एग्ज़ाम्पल देंगे दोनों तरफ की रीडिंग लेंगे अब दोनों तरफ की रीडिंग लेनी है आपको दोनों तरफ की रीडिंग लेनी है उठा लो कोई सा भी यूनिट कोई सा भी यूनिट उठा लो सर ही जवाब दो इनको जो सुने और पढ़े हाँ चलो ठीक है ये बोल रहे हैं कि एक एग्ज़ाम्पल देना है जहाँ पे मुझे दोनों तरफ की रीडिंग उठानी है आई हैव टू टेक तो वर्नियर स्केल यूज़ करनी है दोनों तरफ की रीडिंग उठानी है और डायमेंशन भी छोटी होनी चाहिए डायमेंशन शुड ऑल्सो भी कंपेरेटिवली स्मॉलर तो डायमेंशन भी मेरी कंपेरेटिवली छोटी होनी चाहिए तो so एग्जाम्पल लेते हैं एग्जाम्पल लेते हैं मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है एग्जाम्पल लेते हैं मार्किंग ड्री टेस्ट ट्यूब तो ये मार्किंग बनी हुई है टेस्ट so ट्यूब के अंदर क्लियर है रेलवे ट्रैकिंग कहीं पर भी हो सकता है वो तो एग्जाम्पल ही तो पूछ रहा है आपसे तो ये हमारी टेस्ट टेस्ट ट्यूब ट्यूब है दिस इज इसमें पानी का लेवल है पानी का लेवल है और इसमें सॉलिड डिपॉजिट कर गए डिपॉजिटेड तो अब आपको ये मेजर करना है आपको ये मेजर करना है कि सॉलिड कितने लेवल तक डिपॉजिट कर गए तो सॉलिड कितने लेवल तक डिपॉजिट कर गया उसकी मेजरमेंट करनी है तो इसके सामने क्या रखा आपने इसके सामने आपने वर्नियर रखा और वर्नियर से मेजरमेंट ले रहे हो दोनों तरफ की ताकि आप एक साथ एवरेज ले आओ अब मैंने इसके बगल में लगाया है बगल में नहीं लगाना है इसके सामने लगाना है तो अब आपको जो वर्नियर स्केल है वो उसके सामने लगानी है डिपोजिशन को मेजर करने के लिए इन ऑर्डर टू मेजर द डिपोजिशन तो एक एग्जांपल आ गया आपको सेटलमेंट पता करनी है सॉलिड्स की ट्यूब के अंदर यू हैव टू मेजर द सेटलमेंट ऑफ द सॉलिड्स इन द ट्यूब चलो आज के लिए सफिशिएंट है वर्नियर हो गया लास्ट भी हो गया ठीक है टाइप्स ऑफ वर्नियर वाला टॉपिक खत्म बाकी अब नेक्स्ट क्लास में करते हैं विल डू इन नेक्स्ट क्लास। क्लास कब तक है? बस खत्म क्लास आप पहले ये सवाल पूछते पहले खत्म कर देता मैं क्लास तब तक चलेगी जब तक तुम ये सवाल नहीं पूछोगे देखो तुमने ये सवाल पूछा क्लास कब तक है मैंने क्लास खत्म कर दी चलिए तो नेक्स्ट वील इन दी अगली क्लास में करेंगे बाकी